हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रविवार का दिन, रविवार यानी खुशियों का वार और कहीं कहीं दुखों का वार। जिन लोगों के पास पैसे हैं, सभी सुख चैन है, वो लोग के लिए रविवार का दिन सुख का दिन कहलाता है। पर जिन लोगों के पास मुश्किलें हैं, जिन लोगों की जिंदगी में पैसों की कमी है, जिन लोगों की जिंदगियों में क्लेश और मुसीबतों ने घर किया हुआ है, उनके लिए कोई वार खुशियों का वार नहीं होता। दोस्तों, ऐसे ही लोगों के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, जिसको करके आप भी अपने रविवार को बहुत ही खुशियों भरा वार बना सकते हैं। सूर्य देवता का वार है और दोस्तों, रविवार को अगर छोटा सा एक उपाय करते हैं, गौ माता को एक छोटी सी चीज़ आप खिलाते हैं, तो माना जाता है कि आपके घर में भी खुशियाँ वास करती है। साथ ही साथ मुझे बहुत सारे लोगों ने उपाय पूछे हैं अपने घर को बनाने के। अगर अभी भी आप रेंट के घर पे रहते रहते परेशान हो चुके हैं, पूरी जिंदगी बीत चुकी है लेकिन आपका अपना खुद का घर नहीं बन रहा है, तो आपको रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। दोस्तों, भूमि सुख की जब हम बात करते हैं, तो हर किसी के किस्मत में भूमि सुख नहीं होता। यदि खुद का घर बन जाता है तो कई तरह की अड़चनें आती है। इसके वजह होता है ग्रहों का अशुभ होना। हर कोई चाहता है जिंदगी में कि उसका भी अपना घर हो, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अपना घर नहीं बन पाता है। दरअसल जब भूमि लाभ की हम बात करते हैं, तो ये प्योरली पूरे ग्रहों के शुभ फल पर निर्भर करता है। यदि कुंडली में आपका मंगल नीच में हो, सूर्य कमजोर हो, नीच का हो, तो उन या फिर इन दोनों पर, मंगल या सूर्य पर किसी भी पापी ग्रह का नजर हो, जैसे शनि, राहु, केतु आदि का, तो घर नहीं बनने देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के एक नहीं बल्कि कई घर होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जीवन भर पैसे होते होते भी एक घर भी नहीं बना पाते। कई लोगों के कई प्लॉट होते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जिंदगी भर एक प्लॉट खरीदने के लिए मोहताज हो जाते हैं। दोस्तों, जो लोगों का ऐसा होता है कि बहुत सारे घर हो या प्लॉट हो, मकान हो, इन लोगों के ग्रह बलि होते हैं। वैसे तो मौजूदा दौर में मकान बनाना रियली मुश्किल हो रहा है, लेकिन यदि आप सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं, खुद का घर नहीं बन पा रहा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आपका घर नहीं होगा। अगर आपके भी ग्रह नीच के हैं, तो आज मैं बताऊंगी आपको एक छोटा सा उपाय करके आप अपने घर बनाने के योग कर सकते हैं। दोस्तों, वैसा ऐसे तो नहीं होगा कि आपको घर खरीदने या बनाने के बारे में सोचते ना हो या प्लानिंग ना करते हो। हर कोई, चाहे वो खरीद पाए या ना खरीद पाए, बैठे बैठे जब भी परिवार के साथ बैठते हैं, हर कोई एक ड्रीम संजोता है कि काश मेरा भी एक दिन एक घर होगा, और जिस दिन वो घर होगा तो मैं उसे ऐसे सजाऊंगा, जिस दिन मेरा अपना घर होगा तो मैं उसमें ऐसे करूंगा। दोस्तों, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, जिसके चलते सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह अशुभ है, आपको घर का सुख नहीं मिल रहा है, तो एक अचूक उपाय है जिसको करके आप अपने मंगल को, सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, और फिर आप देखेंगे घर बनने या घर खरीदने में आ रही जो भी बाधाएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। यदि आपकी कुंडली में गुरु नीच में है, मंगल दुश्मन घर में बैठा है और सूर्य पर राहु केतु की नजर है, तो निश्चित ही घर बनने में बाधा आ रही होगी। ऐसे में ग्रहों को शुभ बनाने के लिए आपको कम से कम 21 रविवार तक लगातार उपाय करना है। आप कहीं भी रहें दुनिया में, आप ये उपाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप घर पे हों तो ही आपको ये उपाय करना है। रविवार की सुबह आपको जल्दी उठना है। हालांकि मैं जानती हूँ संडेज के दिन सब लोग लेट तक सोना चाहते हैं, पर कम से कम दोस्तों आप 7-8 बजे तक जरूर उठ जाएं, और उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देते समय आपको सबसे पहले अर्घ देने के लिए मैं विधि बता देती हूँ किस विधि से आपको अर्घ देना है। एक तांबे का आपको लोटा ले लेना है। ध्यान रखें, स्टील का लोटा, कांसे का लोटा, कोई भी दूसरे मेटल का लोटा आपको नहीं लेना है। अच्छा सा बड़ा सा एक लोटा ले ले तांबे का। उसमें आप सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, 2 ड्रॉप गंगा जल। अगर नहीं हो, बाकी तीर्थों का जल आप डाल सकते हैं, पुष्कर का जल आपको नहीं डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर 2-4 ड्रॉप वो तीर्थों का जल डाल करके आप उस लोटे को ऊपर
ऊपर तक भर लें। फिर उसमें थोड़े से आपको अक्षत डालने हैं, एक चुटकी जैसे अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल लेने हैं, साबुत चावल उसमें डाल दें। लाल गुलाब की थोड़ी पंखुड़ियाँ ले लें, अगर लाल गुलाब नहीं है आप जवा का फूल भी ले सकते हैं, रेड कलर का कोई दूसरा फ्लावर या गेंदा बोलते हैं गेंदा भी ले सकते हैं, ट्राई करें ऑरेंज या रेड कलर का फ्लावर जो भी हो वो आप थोड़े से ज़रूर लें। थोड़ा सा सिंदूर डाल लें, इनकेस फ्लावर नहीं है आपके पास नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, फ्लावर्स आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें सिंदूर कुमकुम या फिर रोली आपको ज़रूर डालना है, कुछ ना हो तो लाल चंदन भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर आपको उस लोटे में डाल देना है। अब आपको अपने दोनों हाथ बिल्कुल अपने सिर के ऊपर सूर्य देवता के सामने चले जाएं और पूरब की ओर मुख कर लें। फिर से बता दे रही हूँ, ध्यान रखें दोस्तों ये उपाय आपको सुबह सुबह 9 बजे के पहले संडे के दिन कर लेना है, इसके बाद करने का बेनिफिट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेट हो सकती है फिर आपके कार्य में, ध्यान रखें 9 बजे के पहले इसको करें। अब आप दोनों हाथों को ऊपर करें, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सिर से ऊपर जितनी ऊपर जा सके उतनी ऊपर आपको लेकर के जाना है और फिर आपको धीरे धीरे लोटे से पानी नीचे की ओर गिराना है। ध्यान रखें जब अर्घ, इसको कहते हैं अर्घ देना, जब आप अर्घ दे रहे हो तो आपकी नजरें लोटे से जो नीचे की ओर गिर रही है धार उस पर नहीं होना चाहिए, आपकी नजर होनी चाहिए सूर्य भगवान की तरफ, सूर्य भगवान को देखते जाएं और ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, इनमें से कोई भी मंत्र का लगातार आप जप करते जाएं। धीरे धीरे पूरे लोटे को, जल को आपको नीचे डालना है, ध्यान रखना है जल से जो लोटे से जो जल गिर रहा है वो आपके पैरों में ना लगे, इसलिए अगर आपके बालकनी है या कुछ है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, बाकी अगर ऐसा है कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं पर आपको अर्घ देना है तो एक बर्तन रख लें जिसमें आप ये सारा अर्घ देंगे। इसके बाद इस जल को आपको किसी भी गमले में डाल देना चाहिए, तुलसी के गमले छोड़ के आप किसी भी गमले में इस जल को डाल सकते हैं। ओम अर्घ देते समय आपको जो 3 मंत्र बताए हैं आप चाहें तो उनका जप करें या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इसके बाद घर जाएं, घर के अंदर जा करके ताजे आटे की आपको रोटियां बनानी है, रोटी जब ठंडी हो जाए, एक रोटी दो रोटी जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो वो बनाएं और रोटी जब ठंडी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पुराना गुड़ की एक साबुत भेली आपको रख लेनी है। अगर आपके घर के सामने गाय आती है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी गौशाला में जा सकते हैं, आपको ट्राई करना है कि लाल या ब्लैक कलर की गाय को इसको आपको खिला देना है, अगर नहीं मिले कोई भी लाल गाय तो आप फिर डॉग्स आदि को या जो भी कलर की गाय हो उसको खिलाएं। ध्यान रखना है आपको गुड़ और रोटी आपको फेंकना नहीं है गाय के सामने, हाथ जोड़ करके गौ माता को अपने हाथों से खिलाना है, इसके बाद खिलाने के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें, थोड़ा सा उनकी बॉडी को, पीठ को आप कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी को, उनकी सहलानी चाहिए। दोस्तों आपको एक और बहुत चमत्कारी बात बताती हूँ, जब आप गाय की पीठ की रीढ़ की हड्डी सहलाते हैं उस समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल जो भी दोष होता है आपकी रीढ़ की हड्डी में वो दोष दूर हो जाते हैं। ये उपाय आपको लगातार करना है दोस्तों और आप देखेंगे कि अचानक आपके घर बनने के योग बनने लग गए हैं, योजना बनने लगेगी आपके घर पे और फिर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इस उपाय को करने का एक और फायदा है दोस्तों कि यदि आपका घर इस उपाय को करने से बनता है तो आपके घर के लिए आर्थिक तंगी का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। यदि आप लोन भी लेकर के घर बना रहे हैं या फिर बना बनाया घर खरीद रहे हैं तो आपकी लोन भी बहुत ही आसानी से चूक दे जाएगी। दोस्तों पर ध्यान रखें, जब तक लोन ना चुके, अगर आप घर ले भी रहे हैं लोन पर या लोन पर जमीन आदि ले रहे हैं तो जब तक लोन ना चुके आपको ये उपाय हर रविवार को जरूर करते रहना चाहिए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत उपाय है, ऐसे भी मैं बताती हूँ कि सभी लोगों को नियम से सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए, नियमित रूप से अर्घ देने से यश मान सम्मान में वृद्धि होती है, जो भी भाग्य साथ नहीं देता दुर्भाग्य होता है तो अपना सौभाग्य बदल जाता है और साथ ही
साथ दोस्तों आपकी मनचाही इच्छा जरूर पूर्ण होती है। किसी किसी की शादी ब्याह में देर होती है, वो भी ठीक होते हैं। हर तरह की सुख संपत्ति का घर में वास होता है दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, आप चाहें तो कल वाले रविवार से करें, चाहे अगले रविवार तक नवरात्र शुरू हो जाएंगे, नवरात्रों से इस उपाय को आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही चमत्कारी उपाय माना जाता है और कन्या पूजी जाएगी उस समय भी अगर आप ये उपाय करते हैं दोस्तों, तो फिर आपके सपनों की आशियाने की नींव रखते आपको देर नहीं लगेगी। कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। जो भी आपके मम्मी पापा फ्रेंड्स फैमिली भाई बहन बच्चे जो लोग भी चाहते हैं कि अपना घर हो, सालों से ट्राई कर रहे हैं पर नहीं बन पा रहे दोस्तों, उन सभी से इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स। किसी भी तरह के वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें तो ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, एंड हैप्पी संडे।